सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 52वें पृष्ठ की दूसरी पंक्ति पर 31वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, फॉर दी शी यार्न्स एंड फील्स देम डेस्टिंड हर्स हेवन्स प्रिविलेज शी क्लेम्स इज हर ओन राइट जस्ट इज हर क्लेम द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव क्लियर इन अ ग्रेटर लाइट देन रीजन्स ओन्स अवर इंट्यूशंस आर इट्स टाइटल डीड्स अवर सोल्स एक्सेप्ट व्हाट अवर ब्लाइंड थॉट्स रिफ्यूज अर्थ्स विंग्ड चैम्बर्स आर ट्रूथ्स स्टिट्स इन हेवन द इम्पॉसिबल गॉड्स साइन ऑफ थिंग्स टू बी। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। जड़ीभूत अज्ञानांधकार अचित आवरण पड़ी हुई यह धरती सतत अभीप्सा करती रहती है अपने भीतर गर्भाहित सत्यांशों के दिव्य प्रभाव की धूमिल दर्शन से, कि जो कुछ अनाकारित स्वर्गिक रचना का प्रारूप कि सत से सत्यधारी मन भागवत संकल्प से अडिग संकल्पित प्राण अपराजेय शक्ति शाश्वत आनंद जो स्वर्ग के विशेष अधिकार हैं, इन्हें हमारी धरा प्राप्त कर सके, इसके लिए वह सदैव लालायित रहती है और भीतर ही भीतर अनुभव करती कि यही सब कुछ पा जाना, बन जाना ही तो उसका भाग्य नियति है, जो उसका मूलभूत मौलिक अधिकार भी है। इसी आधार पर सब कुछ यानी सत्य मन सत्य संकल्पित प्राण की अपराजेय शक्ति शाश्वत अक्षय आनंद के स्वर्ग के अनाकारित विशेषाधिकार को वह स्वाधिकार ही घोषित करती है और इस हेतु सतत ऊर्ध्व क्रम विकास संघर्षों से जूझती हुई सतत विकास के नित नवीन स्तरों पर पहुंचते हुए जब समय की इयत्ता समाप्त हो जाएगी तब ये सभी दिव्यताएं धरती के स्वाधिकार में होंगी, ऐसा धरा का दृढ़ता पूर्वक पूर्ण विश्वस्त कथन है। दिव्य भागवत संकल्प से संकल्पित सत्य संकल्प धारित हृदय
और दिव्य भागवत शक्ति धारी अजेय शक्तिशाली प्राण और शाश्वत आनंद धारित हृदय, जिन्हें पृथ्वी दृढ़ता पूर्वक अपना अधिकार मानती है, इसको सूक्ष्म लोक के समस्त सर्वदर्शी देव वृंद भी इसकी प्रशंसा करके अनुमोदना करते स्वीकार करते हैं कि इन देवों के द्वारा प्रेषित ब्रह्मांड गतिविधियों की होने वाली क्रिया को संचालित करते हुए धरती अपने घटित होने वाले दिव्य स्तर को अभिव्यक्ति में एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेगी। यद्यपि हमारे सामान्य विचारों वाले तार्किक मन को यह सब कुछ अनुचित ही लगता है, कैसे यह अचित अज्ञ अंधकारमयी धरती इन देवी दिव्य स्वर्गीय गुणों को अभिव्यक्ति में चरितार्थ कर सकती है। तार्किक मन को तो यह असंभव ही प्रतीत होता है, किंतु मानव मन के उच्च परालोक के महत्तर प्रकाश में ऊर्ध गति कर लेने पर उसे यह सब कुछ सच ही अनुभव होता है, और अधिक मानव अंतरात्मा साक्षात्कार एवं आत्म साक्षात्कारोपरांत सकल हमारे ये अंतर महाबोध एवं अतीन्द्रिय दिव्य विजन की झलकियां दर्शन कर ये दिव्य धरती पुत्र इन धरा के उज्ज्वल एवं दिव्यीकृत अभिव्यक्ति को यथार्थ जानकर घोषणा करते एवं मानव जाति को आश्वस्त करते कि समस्त धरा अस्तित्व मानव सहित निर्भय हो जाए तथा इस देखे गए दिव्य दर्शन से गवाही देते हुए धरती के दुख कष्ट रोग शोक संत्रास संताप युक्त वर्तमान जीवन से मुक्ति एवं काल से छुटकारा वाले व्यक्त रूपों में जीवन यापन के अगले सोपान पर धरा को प्रवेश कराने हेतु आकारित हो जाने की ये दिव्य मनीषी जमानत देते दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार वे घोषित करते कि नश्वर धरा को एक दिन शाश्वतता में ढलने के पट्टे परमात्मा ने धरा को लिख दिए हैं, वे सब उसके विशेषाधिकार हैं। सामान्य मानव मन विचार अंध विचार जिसे इन्हें अस्वीकृत करते हुए दिव्य आत्म साक्षात्कार की हुई आत्माएं इस सब कुछ के घटित होने को अवश्य संभावी मानकर स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि सामान्य मानव में विद्यमान चैत्य पुरुष भी इसको दिव्य ज्ञान क्षमताधारी होने के कारण दृढ़ता से स्वीकार किए रहकर मानव के जाने अनजाने तथा जड़ वनस्पति प्राणियों के भीतर विद्यमान चैत्यांश भी भागवत योजनाधारी होने से इसी ओर दृढ़ता से स्वीकृति प्रदान करके विकासोन्मुख बने रहकर नित नवीन अभिव्यक्ति के उन्नत स्तरों पर अभिव्यक्ति पाते चले जाते हैं, क्योंकि चैत्य एवं चैत्य पुरुष ज्ञान तो भागवत अंश ही है। वे सदैव अखंड रूप से ही सत्य तथ्य से अवगत रहते ही हैं, इसीलिए मानव मन को धरती के दिव्यीकृत हो जाने की स्थिति
असंभव सी लगती किंतु अस्तित्व के कण कण से विकसित मानव अंतरात्मा, प्रेरित प्रभाव से प्रभावित कल्पना एवं विचार पुनः पुनः भूल भ्रांति भ्रम से लौटकर इसी सत्य तथ्य से कि जो कुछ उसे असंभव प्रतीत होता वह तो घटित होने के रास्ते पर बढ़ते चले जाते रहकर मूर्त रूप धारण करता ही चला जा रहा है। यह असंभाव्य धरती का दिव्यीकरण मानव क्रिया के उच्चतम क्षितिजों को अब भी असंभव सा मालूम पड़ता है, वहीं उसके भीतर छिपी अंतरात्मा के लिए मूर्त रूप में अभिव्यक्ति पा जाना एक ललकार है कि वह इस क्रिया में कूद पड़कर वह इस असंभव को संभव कर दिखाए, ताकि इस उपाय से कार्य संपादन करके उच्च विकसित यंत्रों के अभिव्यक्त होने के भागवत संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ते हुए संसिद्धि तक पहुंच जाए। सृजित सृष्टि में धरती के अणु अणु में परमाणु परमाणु में विराजित दिव्य भागवत संकल्प अंश सिद्धि हेतु प्रयासरत ये दिव्य सत्य के बिखरे पड़े सत्य अंशों की एकजुट होकर सम्मिलित अभिप्सा की तीव्र पंखिल उड़ान जो धरती पर आकारों में आकारित हैं, वे ही ऊर्ध स्थित स्वर्ग में अनाकारित स्वरूप में परम सत्य के समस्त अंश होने वाली विकासोन्मुख प्रक्रिया संग्राम में युद्ध के पराक्रमी अश्व समान परम उत्साही बने रहकर संलग्न रहते हुए असंभव को संभव में परिवर्तित हो जाने के ईश्वरीय इंगित चिन्ह माध्यम यंत्र बनकर समस्त वस्तुओं को नश्वरता से शाश्वतता में अभिव्यक्ति पा जाने के लिए आश्वस्त करते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आवान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहे। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।